pretty soon. And you are with me. मेरे प्यारे भाई, लव ऑफ माय लाइफ, लाइट ऑफ माय लाइफ, माय आइडल, माय इंस्पिरेशन, माय रॉक, माय एवरीथिंग, शान हिंदुस्तान, गौहरे हिंद, यू हैव टू गेट बेटर फॉर मी एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और अभी माइल्स टू गो बिफोर यू स्लीप. And you also have promises to keep, mostly to me, Ammi, Ammi Jaan, and all your kids who love you. And I cannot put into words what you mean to me. और आपको ठीक होना पड़ेगा मेरे लिए. और अभी तो वो डिक्शनरी भी कंप्लीट करनी है आपको, तो बस जल्दी से अब अच्छे हो जाइए. एंड यू आर नॉट अलोन, एंड आई एम 100% विथ यू, नो मैटर वेयर यू आर एंड वेयर आई एम. और अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरी नज़र उस पर गई टाइम सेकेंड्स और मिनट्स पे, तो इट वॉज 1:11. सो ये एंजल नंबर्स होते हैं, विच इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप इंशाल्लाह जल्दी अच्छे हो जाएंगे. लव यू भाई, लव यू, लव यू, लव यू भाई. अस्सलाम वालेकुम, गेट वेल सून, लव यू सो मच. वी आर वेटिंग फॉर यू टू कम होम, एंड यू आर अ फाइटर, यू विल मेक इट इंशाल्लाह. Hello bhai, I'm here and just waiting for you to come out of the hospital and give you a big big hug. So it won't be bhai aapki favorite suneri. Dekhiye iski red nose aur aankhein, aur aapka favorite mittens aapke room mein aapka intezar karte hue. Khala jani dekhiye kaam kar rahi hai. और इन लोग को देखिए, और टिलीजू भी, टिलीजू, टिलीजू भी आपको मिस कर रहे हैं. जल्दी आइए. आदाब सर, आपके लिए हम लोग सब दुआ गो हैं, बहुत दुआ कर रहे हैं. आप जल्द से सेहत याब होके घर वापस आइए, और इंशाल्लाह हम आपसे मिलने आएंगे, और फिर वही आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, एंड दैट ग्लिंट एंड दैट ट्विंकल इन योर आई, जो शोखीपन है आपका, एक बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह जो आपकी एक शैतानी सी झलकती रहती है, हमेशा मुझे दिखती है आंखों में आपके. बस हम फिर उसी को देखना चाह रहे हैं, फिर उसी उन्हीं के पास आना चाह रहे हैं, वही फारूकी साहब के पास, जिन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा. आपका साया हमारे ऊपर बना रहे हमेशा. बहुत जरूरत है हमें सबको आपकी और आपकी मोहब्बत की, खास तौर से मुझे. अस्सलाम वालेकुम फारूकी साहब, मानव सचदेवा हियर, मासूम शाह पंजाब से. आपको याद होगा फ्रांसिस प्रिचर्ड के स्टूडेंट हैं हम पिछले 20 साल से, और फिर उनके साथ वो सिलसिला जारी रखा उर्दू ग्रुप का, जो हर जुमे मुलाकात करता है, और आपको बेस्ट ऑफ हेल्थ और गुड विशेस देते हैं. और आपको ये बताना था कि मेरी पहली किताब शाये हो रही है एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस के तवसुत, सिया शाम का इख्तिताम. तो आप जल्दी से ठीक हो जाएं, आपसे एक ब्लर्ब की दरख्वास्त है, आप ठीक हो जाएं. खैर मेहरा आपा और सबसे, मैं फैमिली से तो ताल्लुक में हूँ, पर आई जस्ट वांट टू विश यू द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड बेस्ट विशेस एंड होप यू गेट बेटर. मानव सचदेवा, मासूम शाह अगेन. इफ यू रिमेंबर आई रोट माई फर्स्ट इंग्लिश बुक द सूफीज गार्लैंड पोएट्री व्हेन यू केम टू न्यूयॉर्क, एंड देन आई एम नाउ फिनिश्ड विद माई फर्स्ट उर्दू बुक सिया शाम का इख्तिताम. ओके, खुदा हाफिज़ आगा, आदाब, खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी. बंदे खुदा फारूकी साहब, आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है, आपकी खूबसूरत ज़ुबान की अभी तक बहुत बहुत ज़रूरत है. अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए, प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाइए. फारूकी साहब, सबसे पहले आपको मेरा ढेर सारा प्यार, नमस्कार और सलाम. मैं बनारस से आपका एक छोटा सा मुरीद शशांक बोल रहा हूँ.
आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन कुछ वक्त पहले जब मेरे ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी, तब आप मेरे साथ थे। आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस मुसीबत से बाहर निकाला। तकरीबन 1.5 साल पहले मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया था। मेरे दिमाग में जहर भर चुका था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं। और उस वक्त मैंने कई चांद थे सरे आसमान पढ़ना शुरू किया, और उस किताब ने मुझे अपनी मुसीबतों से बाहर निकाल के एक ऐसी दुनिया में पहुंचाया, एक ऐसे वक्त में पहुंचाया जो बहुत हसीन था, जो बहुत खूबसूरत था, जो बहुत शायराना था। आपके अल्फाजों ने, आपकी कहानियों ने मुझे बहुत ताकत दी। वजीर खानम की ज़िंदगी ने मुझे ये सिखाया कि छोटी मुसीबतें आती रहती हैं, हमें उससे कभी हार नहीं मानना चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए, यही हमारा फ़र्ज है। और आज हम आपके लिए बहुत दुआ कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जिस तरह मैं डिप्रेशन से बाहर आया, आपकी बदौलत हम यही चाहते हैं कि आप भी बहुत जल्दी बिल्कुल ठीक हो जाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द आप इस बीमारी को हराने वाले हैं और आप वापस अपनी राइटिंग डेस्क पर पहुंचने वाले हैं, जहां पे आपको बहुत सारी कहानियां लिखनी हैं, जहां पे आपको बहुत सारी दास्तानें लिखनी हैं, बहुत सारे शेर और गज़लें लिखना है। और मैं आपसे बहुत जल्द इलाहाबाद मिलूँगा, सी हेस्टिंग्स रोड इलाहाबाद के उसी मकान में, ठीक उसी तरह मिलूँगा जिस तरह बेनी माधव रुसवा गालिब से मिला था। मैं आपका बेनी माधव रुसवा हूँ और आप मेरे गालिब। गेट वेल सून फारूकी साहब, आई लव यू, वी लव यू, वी आर ऑल प्रेइंग फॉर यू। आदाब फारूकी साहब। कई चांद थे सरे आसमां के चमक चमक के पलट गए, आप अदब के उफक का एक ऐसा चमकता हुआ दरख्शा चांद हैं कि जिसकी जीनत और रौनक तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं, ना ही इस चमक को कभी मान किया जा सकता है। आपके इस शाहकार को मैं जितनी मर्तबा भी पढ़ती हूँ, हर बार उसकी अलग अलग दुनियाओं में जैसे खो सी जाती हूँ। कश्मीर के खूबसूरत रंग हों, वहाँ की फिजा की नमी हो, या फिर सख्त राजपुतानी की मोहिनी और बनी ठनी की कहानी हो, 18वीं और 19वीं सदी के हिंदुस्तान में जवाल पजीर मुग़ल सल्तनत और इसी जवाल के साए से उभरता हुआ सल्तनत बरतानिया का सूरज, और इस पस मंज़र में वज़ीर खानम का अनोखा बेमिसाल किरदार। वज़ीर खानम तह दर तह एक ऐसी औरत जो हर मोड़ पर हमें चौंका सा जाती है। मैं आज भी सोचती हूँ कि क्या वज़ीर ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जी, आज की औरत, आज का समाज एक औरत को इस तरह से ज़िंदगी जीने का हक दे सकता है? क्या इसी खूबसूरती के साथ कोई औरत अपने फ़ैसले खुद कर सकती है? इतनी बहादुरी के साथ मर्दों के समाज में डट कर खड़ी हो सकती है? आपका ये मिसाली किरदार जैसे दिल को किस किस तरह से तकवीत दे जाता है। उम्मीद यही करूंगी कि आप जल्द से जल्द रूबाए सेहत हों और हमारे लिए इसी तरह के ज़िंदा और बेमिसाल किरदार नक्श करते रहें कागज़ के दिल पर। आपकी सेहत के लिए दुआगो हूँ, सादिया अली। हेलो प्रोफेसर फारूकी, दिस निधि ओलिकरा फ्रॉम शिमोगा। सो गेट वेल सून प्रोफेसर, वी वांट टू सी यू रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड स्माइलिंग अगेन। So our prayers and best wishes are with you. You'll be straight off bed soon and speaking to us. God bless you and keep you safe. Assalamu alaikum Farooq sahab, mera naam Dr. Rizwan Ahmed hai. Main Qatar University mein lisaniyat ke shobe mein lisaniyat padhata hu. University of Michigan se PhD ki hai aur research sociolinguistics ke mauzu pe karta hu. Aam taur pe sociolinguistics of Urdu या सोशियो लिंग्विस्टिक्स ऑफ अरबिक। आपसे मेरी पहली मुलाकात 1986-87 में पटना में हुई थी। उस ज़माने में खुदा बख्श लाइब्रेरी में आपके कुछ प्रोग्राम सुनने के लिए मैं जाया करता था, और मुझे आज भी वो अक्स मेरे जहन में बिल्कुल नक्श है, जब आप सिगार
बियास बड़ी सिगरेट होती थी, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वो आप पीते थे। और मैं बहुत आई वॉज़ एक्चुअली फैसिनेटेड बाई योर थॉट्स एंड ऑल्सो एज अ समन हु वॉज़ इन हिज टीन एज, यू नो दी फिज़िकल इमेज ऑफ यू विथ अ सिगार इन इन योर हैंड एंड ब्रिलियंट आइडियाज़ अबाउट लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर ऑलवेज फैसिनेटेड मी। आई कुड नेवर स्मोक बट आई डिड बिकम इन्वॉल्व इन रिसर्च लेटर ऑन एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू डू सो। मेरी एक हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि मैं आपसे मुलाकात करूँ। एक किताब का खाका मेरे जहन में है, वो एक तरह से आपकी जो किताब है इब्तदाई उर्दू का इब्तदाई ज़माना या द अर्ली हिस्ट्री ऑफ उर्दू उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वो उसका एक्सटेंशन ही समझा जाएगा मुझे लगता है। वो ये है कि दी काइंड ऑफ अटेंशन एंड डिस्प्यूट दैट हैज़ बीन गोइंग अराउंड उर्दू, देयर इज़ नो लैंग्वेज दैट आई नो ऑफ इन दी इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और एनी वेयर दैट हैज़ रिसीव दैट काइंड ऑफ अटेंशन, एंड देर इज़ ऑफ कोर्स सोशल एंड पोलिटिकल रीजन्स बिहाइंड इट। तो उसी पर मैं किताब लिखना चाह रहा हूँ, जो आमतौर पर मेरा काम कंटेम्प्रेरी सोशियो लिंग्विस्टिक्स ऑफ उर्दू पर रहा है, लेकिन ये किताब तारीखी और जो अभी हालात हैं अभी के, उस पर मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो आपसे मुलाकात की बहुत ज़माने से ख्वाहिश रही है, लेकिन बस हो नहीं पाया। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है तो मैं पहली फुर्सत में आपसे मिलने के लिए आ रहा हूँ, और आपसे चाहूँगा कि आज आप वादा करें कि आप मुझसे मुलाकात का वक्त देंगे, और इंशाल्लाह 2-4 घंटे की आपसे बात होगी। एक और मेरी ज़ाती हॉबी है, वो है अरूज, जिस के बारे में मैंने आपकी किताबें भी पढ़ी हैं, आपकी किताब भी पढ़ी है और दूसरे लोगों की किताबें भी पढ़ी है, तो कुछ उस मौजू पे भी बात करना चाह रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल सेहतियाब हो जाएं और अस्पताल से इंशाल्लाह जल्दी ही आप बाहर आ जाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे मुलाकात करने का ख्वाहिशमंद हूँ, ख़ा वो दिल्ली में हो या इलाहाबाद हो, जहाँ हो आप, जहाँ आप होंगे वहाँ मैं इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। इसी के साथ मैं ये छोटे छोटी सी वीडियो ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह से दुआगो हूँ कि आप को अल्लाह मुकम्मल सेहतियाब करके अस्पताल से घर वापस भेज दे। चलिए, खुदा हाफिज़। सर सलाम अलैकुम। आप सर जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाइए, और आप आएंगे इंशाल्लाह, आपकी बहुत याद आती है, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं सब लोग, और सब लोग बहुत दुआएं भी कर रहे हैं आपसे। सर बहुत सीखा है आपकी किताबों से, आपके वीडियोस से, आपसे फ़ोन पे बात करके बहुत सीखा है। वो अलग बात है कि मैं किसी से कह नहीं सकता कि आप मेरे उस्ताद हैं, मतलब ये आपकी शान के खिलाफ है कि मैं अगर आपको उस्ताद मानूँ अपना, कि ऐसा वो नालायक ऐसा बेवकूफ़ जो है आपको अपना उस्ताद मान रहा है। आपने एक शेर सुनाया था सर कुछ रोज़ पहले, रफ्तम के खार अज़ पा कशम महमिल निहां शुद अज़ नज़र, यक लहज़ा गाफिल गश्तमो सत साल राहम दूर शुद। तो सर आपसे ही ये सब बातें समझी हैं, रवायत हमारी शायरी के अंदर जो कांटों की अहमियत है और कि उनसे घबराना नहीं होता, तो सर आप भी जो है इन राह के कांटे से, इस बीमारी से सर परेशान ना हो और ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी। आपको भी पता है बहुत काम आपका बाकी है, वो काम आपके अलावा दूसरा कर नहीं सकता सर। वो इकबाल का शेर है ना, गुमा मबर के बपाया रसीद कारे मोगा, हजार बाद आए ना खुर्दा दर रगे ताकस्त। तो सर वो इल्म की शराब ना आप जैसी कोई कशीद कर सकता, ना कोई दूसरा है जो उस तरह पिला दे जैसे आप पिला सकते हैं। तो सर आप जल्दी से ठीक हो के आ जाएं, लोग बहुत प्यासे बैठे हैं इल्म के लिए, और बस आप सर आ जाएं, जल्दी से आ जाएं सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम फारूकी साहब, आप जल्दी से ठीक हो जाएं और हम सब मिलके एक बढ़िया पार्टी करें। आपकी सेहत के लिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अपना ध्यान रखें फारूकी साहब, धन्यवाद, शुक्रिया। मनोहर भोपाल से। आदाब सर, यू आर नॉट ओनली प्रेशियस फॉर योर फैमिली मेंबर्स बट फॉर द एंटायर लिटरेरी वर्ल्ड।
आपका मैखाना हमेशा आबाद रहे और हम सदा फैज़याब होते रहें। ये वो मैखाना है जो सैराब तो करता ही है मगर प्याज भी बढ़ा देता है। आपका ही शेर है, रिंदों को तेरे यार जुए खुश्क लबी है, रिंदों को तेरे यार जुए खुश्क लबी है, अब ऐ निगहे मस्त तू क्या ढूंढ रही है। गेट वेल सून सर।